Very good morning students. I am your science teacher and today I will do science activity and in this activity I will do kinds of plants. इस एक्टिविटी में हम प्लांट्स के काइंड्स कितने होते हैं यानी प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और हम उनसे उनके जो पिक्चर्स हैं वो हम पेस्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे जो प्लांट्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के हैं. ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. तो बच्चों ये एक्टिविटी आपको साइंस की नोटबुक में करनी है जो आपकी इंटरलीफ है. इस पेज पर तो आपको ये साइंस एक्टिविटी लिखनी है, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और ये आपको उनके टाइप्स लिखने हैं. इसके साथ ही आपका ये जो प्लेन पेज है यहाँ पर आप ऊपर लिखेंगे ट्रीज. तो यहाँ पर हमें बच्चों ट्रीज की पिक्चर पेस्ट करनी है और उनका नाम लिखना है. तो ट्रीज कौन होते हैं, जो बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं, उन्हें जो साइज में बहुत बड़े बड़े होते हैं. देखिए जैसे ये है बनियान ट्री, ये बहुत बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारा ट्री है. ये मैंगो ट्री है और ये नीम ट्री है. ये बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रीज. अब हम इन्हें यहाँ पेस्ट करेंगे, एक एक करके हम पेस्ट करेंगे इनको. हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से. इसी तरह से हम सेकंड पिक जितनी आपको पिक्चर मिल सकती हैं हम उतनी पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं. आपके पास 3 पिक्चर हैं तो आप 3 पेस्ट कर दीजिए, 4 हैं तो 4 कर दीजिए. जितनी पिक्चर्स आपके पास हैं आपको कट करनी है, कट करके फिर आपको पेस्ट करनी है. तो आप किसी भी ट्री की पिक्चर्स कट कर सकते हैं फिर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे. ये हमारी नीम ट्री है, ये हमने इस तरह से पेस्ट कर दी. अब इनके नीचे इनके देखिए नाम लिखे हुए हैं, अगर नाम नहीं लिखे हुए हैं तो हम इसके नीचे इनका नाम लिखेंगे. ओके, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा. इसी तरह से देखिए ये है श्रब्स. श्रब्स किन्हें कहते हैं, जो प्लांट ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं. अब श्रब्स की पिक्चर देखिए, जैसे कॉटन प्लांट देखा है आपने, इस पर कॉटन आती है, बहुत बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज का होता है, तो ये हमारा श्रब्स में है. हम यहाँ पे ये कॉटन की पिक्चर पेस्ट करेंगे. ये ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं क्योंकि ट्रीज तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो श्रब्स होते हैं ये ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं साइज में. इसी तरह से रोज़ प्लांट है, देखिए रोज़ प्लांट, रोज़ का प्लांट आपने देखा होगा छोटा होता है, ट्रीज की तरह बड़ा नहीं होता, तो ये है श्रब्स जो ट्रीज से छोटे होते हैं. ये रोज़, तो रोज़ क्या है, श्रब्स. इसी तरह से आपने देखिए हिबिस्कस, गुड़हल, गुड़हल का फूल देखा है, उसका प्लांट है बहुत बड़ा नहीं होता, मीडियम साइज का होता है, इसलिए ये श्रब्स है. देखिए हमने इसके पिक्चर पेस्ट कर दी. यहाँ पर मेरे पास 3 पिक्चर्स हैं तो मैंने 3 पिक्चर्स पेस्ट की हैं. अगर आप ज़्यादा कट करते हो तो आप जितनी कट करो आप उतनी पिक्चर्स आपको पेस्ट करनी है. इसके बाद थर्ड कैटेगरी है बच्चों हमारी हर्ब्स, यानी जो श्रब्स से भी और छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं. तो आप नेक्स्ट पेज पर बच्चों इस तरह से यहाँ पे हर्ब्स लिखोगे जो बहुत छोटे प्लांट होते हैं, जैसे धनिया है, पुदीना है, मिर्च, टमाटर, ये सब क्या होते हैं, हर्ब्स, जो बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे गमले में भी हो जाते हैं. और गेंदे का फूल होता है जो हम पूजा में यूज करते हैं,
वो भी छोटा होता है उसका प्लांट। तो ये क्या है? हर्ब्स। ये है मिंट यानी पुदीना, जो हम चटनी में डालते हैं। तो ये क्या है? हमारा बहुत छोटा प्लांट होता है, गमले में भी हो जाता है ये। तो ये हमारा हर्ब्स है। इसी तरह से देखिए, ये गेंदे का फूल है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, गमले में होता है, छोटा सा प्लांट होता है ये। हम इसे पेस्ट कर देंगे। हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से ये है कोरिएंडर यानी धनिया। सब्जी में हम धनिया डालते हैं, हरा धनिया। तो ये बहुत छोटा प्लांट होता है। तो ये हमारा क्या है? हर्ब्स। देखिए, मैंने ये हर्ब्स की 3 पिक्चर्स पेस्ट किए हैं। आप और भी ज़्यादा पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। अगर आपके नाम नहीं लिखे हुए हैं तो आप इनके नीचे नाम लिखोगे। ओके। अब है क्लाइंबर्स। बच्चों, क्लाइंबर हम कहते हैं बेल को, जो बेल होती हैं। अब बेल 2 टाइप्स की होती हैं। एक बेल तो बच्चों वो होती हैं जो ऊपर चढ़ती हैं। तो जो बेल ऊपर चढ़ती हैं, जैसे किसी रस्सी का सहारा लेकर या किसी स्टिक का सहारा लेकर, उन्हें हम क्लाइंबर्स, क्योंकि वो क्लाइंब कर रही हैं, चढ़ रही हैं, इसलिए हम उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं। तो क्लाइंबर्स देखिए, ये क्या है? मनी प्लांट। तो आपने कहा मनी प्लांट ऊपर चढ़ता है, तो ये क्लाइंब कर रहा है, तो ये क्या है? क्लाइंबर्स। हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बच्चों, पी यानी मटर। मटर का जो प्लांट होता है वो भी हमारा क्लाइंबर होता है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये 2 पिक्चर्स हैं, तो इसका नाम लिखा हुआ नहीं है, तो हम इसके नीचे नाम लिखेंगे, पी प्लांट। ये हमारे कौन है? क्लाइंबर्स। इसी तरह से बच्चों, नेक्स्ट है हमारे क्रीपर्स, यानी ये भी बेल होती हैं, लेकिन ये बेल बच्चों नीचे ज़मीन पर ही फैलती हैं, ऊपर चढ़ती नहीं हैं, क्योंकि इन पर जो फ्रूट आता है वो बहुत भारी होता है, हैवी होता है, उसका वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए ये बेल जो होती हैं ये ज़मीन पर ही फैल जाती हैं, इसलिए हम इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। अब जैसे देखिए, ये क्या है? वाटरमेलन। क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो इसकी बेल ऊपर नहीं चढ़ पाती, क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा होता है, तो ये ज़मीन पर ही फैलती है, तो ये है क्रीपर। ये है पम्पकिन, काशीफल। ये भी बहुत बड़ा होता है, इसकी बेल भी बच्चों ज़मीन पर ही फैलती है, इसलिए ये क्या है? क्रीपर्स। ये है कुकम्बर यानी खीरा। आपको पसंद है? इसकी बेल भी बच्चों ज़मीन पर ही फैलती है, इसलिए ये भी क्या है? क्रीपर। तो इस तरह से बच्चों, हमने जो डिफरेंट टाइप्स के काइंड्स हैं प्लांट्स के, उनके पिक्चर कट करके हमने यहाँ पे पेस्ट की और इनके नाम लिखे हुए, इसलिए हमने नाम नहीं लिखे। आपको भी इसी तरह से करना है। सभी जो प्लांट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनकी पिक्चर्स कट करनी है और पेस्ट करनी है। ये आपको एक्टिविटी साइंस की नोटबुक में करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।